हेलो एवरीवन, आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो उत्तराखंड से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं। UBTER यानी उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से 2021 के लिए पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आगे हम जानेंगे इस बार कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नोटिफिकेशन में क्या खास बातें हैं, किस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑफलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं और कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है। बाकी सारी इंपॉर्टेंट बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ज़ीरो टू इन्फिनिटी चैनल उत्तराखंड के पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, जहाँ पर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर काउंसलिंग, एडमिशन और उसके बाद भी स्टडी से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो अब हम बात करेंगे जीप नोटिफिकेशन 2021 के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, UBTER की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, पहली और बहुत ख़ास बात इसमें यह है कि ई ग्रुप, एम ग्रुप, पी ग्रुप और ए ग्रुप के लिए ही इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित कराया जाएगा। कहने का मतलब है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन फार्मेसी, लेटरल एंट्री के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसमें सेकेंड ईयर में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। अगर आप इन सारी ब्रांचेस में डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना होगा, जीप एग्ज़ाम इसे कहा जाता है। और अगर आप होटल मैनेजमेंट, गारमेंट टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, PGDCA जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेरिट बेस पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो UBTER की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जिसमें आप जीप 2021 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में जीप परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास 5 मार्च से लेकर 10 मई तक का समय है। इसमें आपको पर्सनली या फिर किसी साइबर कैफ़े में जाकर UBTER.in या फिर UBTEJEEP.co.in इन दोनों वेबसाइट्स के थ्रू आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आपको फ़ीस का यहाँ पर को करना होगा। इन दोनों वेबसाइट्स के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऑफलाइन मोड में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास 15 मार्च से लेकर 30 मई तक का समय है। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी की, तो SC और ST कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी होगी ₹500 और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एडमिशन फ़ी होगी ₹800। तो एलिजिबिलिटी, अर्हता की बात अगर हम करें तो वो स्टूडेंट्स जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं या फिर उत्तराखंड के स्थायी निवासी तो नहीं हैं लेकिन उन्होंने अपना मिनिमम एलिजिबिलिटी, न्यूनतम अर्हता जो है वो उत्तराखंड से पूरी की है, तो वो सभी स्टूडेंट्स जीप परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी डिफरेंट कोर्सेज के लिए क्या होती है। आयु सीमा की बात करें तो कोई भी आयु सीमा पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी एज में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है, अगर हम बात करें ग्रुप ई यानी कि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की, जिसे आप जानते हैं कि इसे करने के बाद आप JEE का एग्ज़ाम देने, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग ब्रांचेस में जो डिप्लोमा होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है 10th। 10th में आपके पास मैथ्स एक सब्जेक्ट के रूप में ज़रूर होना चाहिए। दूसरा आता है आपका ए ग्रुप होता है जिसमें आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। तो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए इसे लेटरल एंट्री कहा जाता है। इसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी होना चाहिए और 12th में आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी की एलिजिबिलिटी होती है 12th विद मैथ्स या फिर बायो, मैथ्स या बायो दोनों हो सकते हैं। अगर आप मैथ्स वाले हैं तो आपके एग्ज़ाम में मैथ्स आएगा और अगर आप बायो वाले हैं तो आपके एग्ज़ाम में बायो आएगा। साथ में बाकी क्या क्या इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, पूरा सिलेबस क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी। डिप्लोमा इन फार्मेसी में फिज़िक्स, केमिस्ट्री के साथ मैथ्स या बायो जो भी आपका ब्रांच है वो आएगा। इसके अलावा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट या फिर
हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट में जो परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी विषय जिनके पास है वो लोग मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाद में मैं एक डिफरेंट वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं। बात करते हैं रिजर्वेशन की, वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा रिजर्वेशन का जो भी क्राइटेरिया है उसी क्राइटेरिया पर आपको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। एससी कैंडिडेट्स को 19%, एसटी को 4%, ओबीसी को 14%, ईडब्ल्यूएस, ध्यान दीजिए ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं इनके लिए 10% का रिजर्वेशन रहता है। अगर आपके पास एनसीसी का ए बी और सी सर्टिफिकेट है तो आप इसे ज़रूर दिखाइए जिस समय आप फॉर्म भरते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके पास ये सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के टाइम अवेलेबल होना चाहिए। इनको 1, 2 और 3% क्रमशः ए बी और सी सर्टिफिकेट के लिए मार्क्स दिए जाते हैं। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है जिसमें डीएफएफ यानी स्वतंत्रता संग्राम सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, अपंग मृत सैनिकों के आश्रित यानी कि मिलिट्री पर्सन, फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स और वुमेन के लिए 30% का रिजर्वेशन यहां पर को रहता है। तो ये सारा रिजर्वेशन यहां पर आपको मिलता है। इस साल पॉलिटेक्निक में सीट्स भी काफ़ी बढ़ गई हैं, तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अराउंड 5,000 सीट्स जो होती हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती हैं। स्कोप की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए एक जो बहुत लोकप्रिय प्रोफेशन है वो है एज अ जूनियर इंजीनियर वो लोग काम कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद आप फार्मेसिस्ट के पद पर काम कर सकते हैं और मॉडर्न ऑफिस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस जो है इसमें आप किसी ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट या फिर स्टेनोग्राफी इस तरह के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप लोगों को एडमिट कार्ड अपना संभाल के रखना होता है परीक्षा के बाद भी, क्योंकि ये सब आपके काम आते हैं जब आप काउंसलिंग करवाते हैं अपनी, और एडमिशन के टाइम पर भी ये आपके ज़रूर काम आता है। डिप्लोमा कोर्स में फ़ीस कितनी लगती है? फ़ीस लगती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में लगभग, जो हॉस्टल वाले कॉलेजेस हैं वहाँ पर 22,000 रुपये का एक साल का खर्चा आपका आता है जो फ़ीस और हॉस्टल फ़ी होती है। मेस का चार्ज आपका अलग से रहता है, जबकि जिन कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं है उनके लिए 18,000 का लगभग एक साल का खर्चा रहता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा फीस आपका जहाँ भी आप रहते हैं खाते हैं वो आपका अलग रहेगा। तो इतनी फ़ीस 18,000 से लेकर 22,000 तक में आपका इंजीनियरिंग और फार्मेसी का कोर्स हो जाता है एक साल का, और 3 साल का होता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और 2 साल का होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो एडमिट कार्ड जो है आपके वो रिलीज़ होंगे। और परीक्षा किन शहरों में हो सकती है आपके लिए जो सेंटर हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनमें से कोई भी सेंटर अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। एली या लेटरल एंट्री की जो सीट होती है उनके बारे में बताऊं, एली सीट होती है जो कि इंटरमीडिएट कर चुके हैं उन्हें, और जो आईटीआई उत्तीर्ण कर चुके हैं उन्हें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि अगर आपने आईटीआई किसी स्पेशल ट्रेड से की हुई है तो आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में कौन से ट्रेड में एडमिशन मिल सकता है, तो इसे ज़रूर अच्छी तरह से देखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप बाद में काउंसलिंग में अपनी चॉइस फिल कीजिए, अदरवाइज़ इसमें बहुत सी मिस्टेक होने की संभावनाएं रहती हैं। तो पिछले बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं और कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बाद में काम आएंगी। फ़िलहाल आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कीजिए और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशन के लिए आपको कॉलेज में जाना है और कॉलेज में जाकर फॉर्म खरीदना है और भरने के बाद उसी कॉलेज में जमा कर सकते हैं, या फिर बाय पोस्ट आप सेंड कर सकते हैं। एड्रेस आपको फॉर्म में ही लिखा हुआ मिल जाएगा, सचिव उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के नाम पर आपको ये एप्लीकेशन सेंड करना होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जून के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में ये परीक्षा आयोजित करा ली जाती है। और इसके अलावा
आप ज़रूर ubter.in की साइट पर जाकर इसका ऑफिशियल ब्रोचर देख लीजिए। हमारा ज़ीरो टू इन्फिनिटी का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ। अब मैं इसे वहाँ पर भी डाल दूँगी, आप वहाँ पर से भी इसे देख सकते हैं। आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करनी है और वहाँ ज़ीरो टू इन्फिनिटी सर्च करना है, तो सेम लोगों के साथ आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आप इसको विस्तार से पढ़िए और इसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। तो अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न हो आप मुझे लिख सकते हैं। किसी भी तरह की हेल्प जो भी हो पाएगी मैं आप लोगों की ज़रूर करूँगी। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।